नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक जन आधार कार्ड के अंदर किसी भी नाम को डिलीट किस समय किया जाता है व कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर, हमें जन आधार कार्ड से नाम डिलीट करना है तो हम किस प्रकार से करें और कब हमें नाम डिलीट करना चाहिए। तो ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन आधार कार्ड में नाम डिलीट करने की क्या कारण है, यानी क्यों जरूरत पड़ती है किसी को भी नाम डिलीट करने। दोस्तों, नाम डिलीट करने के सिर्फ और सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है किसी की भी मृत्यु हो जाए, और दूसरा कारण होता है कि किसी को भी अपने परिवार से अलग एक नया जन आधार कार्ड बनाना है, क्योंकि फैमिली से कोई फैमिली अलग हुई है और एक नया जन आधार कार्ड बनाना है, उस मामले में नाम डिलीट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन दूसरे मामले में जो नई फैमिली बनने वाली है, उस फैमिली के सभी सदस्य उस पहले वाले भामाशाह कार्ड के अंदर जुड़े हुए, तो उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली स्प्लिट फैमिली ऑप्शन के चयन करके उसको स्प्लिट किया जा सकता है। तो ये किस प्रकार से किया जा सकता है, ये और कभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां आपको एक विशेष ध्यान रखना है, अगर मान लो कि किसी तीन फैमिली है, एक छह सदस्यों की फैमिली, उसमें से दो सदस्य पति पत्नी, उन दोनों को एक अलग भामाशाह बनाना है अपना, तो वो स्प्लिट फैमिली ऑप्शन का चयन करेंगे अगर दोनों का नाम पहले से ही उसके अंदर जुड़ा हुआ है। एक तो ये बात होगी, अगर मान लो कि एक लड़की का नाम पियर में जुड़ा हुआ है और लड़के का नाम उसके घर के अंदर जुड़ा हुआ, दोनों को अलग अलग भामाशाह कार्ड के अंदर जुड़े हुए, तो उस समय नाम डिलीट करने होंगे। तो लड़की का नाम उसके पियर से डिलीट हो जाएगा और लड़के का नाम उसके पिता के जो भामाशाह कार्ड है, उसकी माताजी का, उसके अंदर से डिलीट होकर एक अलग भामाशाह कार्ड बनेगा। तो दोस्तों, किस कारण डिलीट करने की जरूरत पड़ती है, एक तो मृत्यु और दूसरा जब अलग भामाशाह कार्ड बनाना हो, और उसके क्या नियम है वो मैं आपको समझा चुका। अलग भामाशाह बनाते वक्त भी कब आपको नाम डिलीट करना होता है, तो आप समझ चुके होंगे कि नाम आके डिलीट कब किया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जब आप नाम डिलीट करेंगे तब क्या दस्तावेज लगाएंगे। तो अगर किसी की मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, और उसी प्रकार अगर किसी की शादी हुई है और अलग से उनको भामाशाह कार्ड बनाना है, तो अगर स्प्लिट फैमिली से करना है तो आपको डायरेक्टली वहां पे मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा, और नाम डिलीट करके अलग से बनाना है तब भी आप मैरिज सर्टिफिकेट वहां पे लगा सकते हैं, तो वहां से नाम ऑटोमेटिकली हट जाएगा और एक बार नाम हटने के बाद उनके एक नया भामाशाह कार्ड बन सकता है। दोस्तों, ये नियम रहते हैं और ये डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों, जिस भामाशाह कार्ड से नाम हटाया जाना, उसका कोई भी फैमिली सदस्य को ई मित्र पे मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी के माध्यम से ही ये नाम हटाया जा सकता है, तो उस फैमिली सदस्य को ई मित्र पे पर्सनली जाना होगा। फैमिली सदस्य ई मित्र पे पर्सनली नहीं जाएगा, कोई भी एक सदस्य जिसके आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए या फिर मोबाइल नंबर जुड़े हुए, वो जाना जरूरी है, तभी नाम हटाया जा सकता है। अब दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि नाम कब हटाया जाता है और किस प्रकार से क्या क्या सिचुएशन रहती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ई मित्र से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है नाम हटाने की। दोस्तों, इसके लिए आपको ई मित्र के उस पे लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन हो जाने के बाद जन आधार कार्ड पोर्टल ओपन करना है। जैसे ही जन आधार कार्ड पोर्टल ओपन करेंगे तो एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहां पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी है और एक जन आधार कार्ड से नाम हटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एनरोलमेंट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ डिलीट मेंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, रसीद संख्या डालनी है जन आधार कार्ड की, फिर खोजे पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है, फिर उस सदस्य का चयन करना है जो आपके यहाँ पे अभी मौजूद है आपके ई मित्र पे, जो फिंगरप्रिंट कैप्चर करवा सकता है या फिर मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन का भी चयन कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद ई केवाईसी करेंगे आप आधार कार्ड से, उसके बाद आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेंगे या फिर ओटीपी भी भेज सकते हैं। इसके अलावा जन आधार कार्ड मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी भेजे जा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको उस सदस्य के आगे जो डिलीट का कारण लिखा हुआ है वो सबसे पहले लेना होगा। जैसे इस सदस्य को डिलीट करना है थर्ड वाले को, तो मैं यहाँ कारण ले लेता हूँ मृत्यु, अगर विवाह है तो विवाह। फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, ऑटोमेटिक बता देगा आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर विवाह हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको करना होगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, ये मेरे पास है इसका डेथ सर्टिफिकेट, ओके करके मैं ओपन पे क्लिक करूँगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में सयन करे पे मैं क्लिक करूँगा, इस सदस्य का सयन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना अनिवार्य है। उसके दोस्तों एक बार देख लो कि आपने सदस्य का सयन किया है या फिर नहीं, यहाँ पे हो गया, फिर सदस्य हटाए पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप सदस्य हटाए पे क्लिक करें, सयन किया सदस्य इस परिवार से हटा दिया जाएगा, आप सुनिश्चित करें, तो आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन देके ओके पे क्लिक करना होगा। उसके कुछ ही देर बाद एक और स्क्रीन मैसेज फ्लैश होगा, जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि आपने जो सदस्य हटाने का निवेदन स्वीकार कर लिया गया, संबंधित उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद आपका नाम हटा दिया जाएगा, यानी कि इन अधिकारियों के सत्यापन के बाद आपका नाम हट जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों ओके करने के बाद आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है और इसका स्टेटस देखना है। तो स्टेटस देखने के लिए फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, जन आधार रसीद संख्या डाल के खोजे पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही रसीद संख्या डाल के खोजे पे क्लिक करेंगे तो इस जन आधार कार्ड की डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों डिलीट हटाए गए सदस्य का विवरण यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों दो स्तरीय ये सत्यापन होता है, प्रथम और द्वितीय, तो यहाँ पेंडिंग है, यहाँ वेरीफाइड हो जाए तो उसके बाद ये नाम यहाँ से हट जाएगा। तो इसके लिए हो सकता है कि आपके लिए 25 से 30 दिन का समय लगे, तो यहाँ पे मूर्ति प्रमाण पत्र भी आप देख सकते हैं जो अपलोड किया है। तो इसके अलावा दोस्तों ये जब पूरी हो जाएगी प्रक्रिया तो यहाँ नीचे भी स्टेटस देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सदस्य को जन आधार कार्ड से आसानी से हटा सकते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।